गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आप बात भी होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम बशर सुवैज। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। जैसा कि पता है दुनिया में पूरा अलग थलग हो चुका है रूस सिस्टम अमेरिका की वजह से, और अकेला भारत ही उसका साथ दे रहा है। तो वीडियो आज इसी तरह की कोई रिलेटेड है रूस से और इंडिया से। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है सीख मिलने के बाद रूस ने भारत को भेजी लंबी लिस्ट। दुनिया में अकेला भारत, अमेरिका चीन सदमे में। मतलब कोई बहुत बड़ी लिस्ट भेज डाली है रूस ने, शायद कोई सामान इंडिया से बाय करना चाह रहा है उसकी लिस्ट है। हो सकता है बड़ी लिस्ट भेजी है और कोई कंट्री दे रहा नहीं है, भारत नहीं बोला कि मैं आपको सामान हर तरह का दूंगा। तो मतलब एक बड़ी लिस्ट आ गई है रशिया से, और इससे चाइना और वो सदमे में हो चुके हैं अमेरिका, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये दोनों करीब आए। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच वेस्टर्न देशों ने रशिया के साथ व्यापार करना बंद कर दिया है। हाँ। जिसके बाद रशिया इस घटनाक्रम से एक बहुत ही बड़ी सीख लेते हुए यूरोपियन और वेस्टर्न देशों के ऊपर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। रशिया जो सामान यूरोप और वेस्टर्न देशों से परचेज किया करता था, वो सामान रशिया अब ऐसे देशों से खरीद रहा है जो इस विवाद में न्यूट्रल हैं या फिर रशिया का साथ दे रहे हैं, ताकि अगर फ्यूचर में 8-10 सालों के बाद यूरोपियन और वेस्टर्न देश फिर से रशिया को बॉयकॉट करते हैं, रशिया के साथ ट्रेड बंद करते हैं, तो रशिया को दोबारा से मुश्किलें ना झेलनी पड़े। रशिया ने अपनी गलतियों से बहुत ही बड़ी सीख ले ली है, जिसके बाद अब वो भारत की शरण में आ गया है। पिछले कल ही मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न कंपनीज के निकलने के बाद रशिया के टॉप 10 फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स का एक डेलीगेशन अगले महीने मई के पहले हफ्ते में भारत के दौरे पर आ रहा है। ये डेलीगेशन इंडियन रिटेलर कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ रहा है। इसके साथ ही अब एक और नई खबर निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक रशिया ने भारत को सामान की एक लिस्ट जारी की है जिनकी रशिया के अंदर शॉर्टेज चल रही है। दरअसल रशिया अपनी कई सारी ग्रोसरी आइटम्स और फूड आइटम्स यूरोप से परचेज किया करता था। उदाहरण के तौर पर कॉर्नफ्लेक्स, जैम, पास्ता, केचप, पैनकेक्स, जूस, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, डिटर्जेंट्स जैसी हजारों छोटी मोटी आइटम्स रशिया के अंदर यूरोप के देशों से आती थी। भारत की आबादी तो 130 करोड़ से ज्यादा की है, जिसके चलते मैक्सिमम वेस्टर्न ब्रांड्स ने भारतीय मार्केट के लिए भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित कर दिए हैं। लेकिन रशिया की पॉपुलेशन है मात्र 14 करोड़, जिसके चलते वेस्टर्न कंपनीज ने रशिया में फैक्ट्रीज नहीं खोली, बल्कि यूरोप के देशों में बनी अपनी फैक्ट्री से ही वो रशिया को माल भेजती थी। लेकिन अब तकरीबन 2 महीने से ये सारी आइटम्स यूरोप के देशों ने रशिया को भेजना बंद कर दिया है, जिसके बाद रशिया के अंदर जितने भी ग्रोसरी स्टोर्स थे, गली मोहल्ले या फिर शहर में किराना स्टोर्स थे, उनमें से अधिकतर सारी पैक्ड आइटम्स गायब हो गई हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध अब काफी लंबा किश्ते दिखाई दे रहा है, जिसके चलते रशिया तो वेट नहीं कर सकता है, इसलिए रशिया ने मदद मांगी है भारत से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया ने फूड आइटम्स और ग्रोसरी सप्लाईज के लिए इंडिया से मदद मांगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया के रिटेलर्स ने रशिया की जो भारत में एम्बेसी है उसको कांटेक्ट किया और कहा कि रशियन एम्बेसी भारत से प्रोडक्ट्स को अरेंज करे, जिसके बाद भारत में जो रशिया की एम्बेसी है उसने फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को फूड आइटम्स और सामान की एक लिस्ट प्रोवाइड की, जिनकी रशिया में आज की डेट में काफी भारी किल्लत है। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एक एपेक्स बॉडी है जो भारत से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। अब ये बॉडी आइडेंटिफाई करेगी कि रशिया ने जो लिस्ट पकड़ाई है उसमें से इंडिया की कंपनीज कौन कौन से आइटम्स रशिया को सप्लाई कर सकती है, जिसके बाद उस कंपनी को रशिया को माल एक्सपोर्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसके साथ ही रशिया की सबसे बड़ी ट्रेड बॉडी ने भारत की सबसे बड़ी ट्रेड बॉडी कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स को भी कॉन्टेक्ट किया और कहा कि भारत के एक्सपोर्टर्स अर्जेंट बेसिस के ऊपर फुटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स यानी कपड़े, ज्वेलरी और बाकी सामान रशिया को भेजें। कैट के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खांडेलवाल ने भी ये जानकारी दी है कि रशियंस ने हमको सामान की एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी है जो उनको अर्जेंटली चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने वो लिस्ट भारत के सभी ट्रेडर्स के साथ साझा कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत बहुत ही आराम से रशियन मार्केट में आज की डेट में एंटर हो सकता है और जो पहली शिपमेंट है वो मई एंडिंग या फिर जून स्टार्टिंग तक रशिया को भेज दी जाएगी। रशिया भारत को हर एक आइटम का कॉम्पिटिटिव प्राइस देने के लिए भी रेडी है, जिसके चलते भारत के ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स रशिया की डिमांड पूरी करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। रशिया को जिस चीज की जरूरत है वो अगर भारत सप्लाई कर दे तो रशियंस के ऊपर यूक्रेन युद्ध रोकने का दबाव बिल्कुल नहीं होगा। अमेरिका इस चीज से नाराज हो सकता है, जबकि चाइना को भी अच्छा नहीं लगेगा कि रशिया इंडिया के रिटेलर्स को अपनी मार्केट का ओपन एक्सेस और फ्री एंट्री दे रहा है, जिससे भारत और रशिया और भी ज्यादा करीब आ जाएंगे। खैर,
क्या भारत रशिया को ये सारी आइटम्स भेज कर सही कर रहा है? सही कर रहा है। यार, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इंडिया बिल्कुल ठीक कर रहा है भाई, सही कर रहा है। अब इंडिया का अगर मतलब आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर मतलब अमेरिका को एक तो हक भी नहीं बनता, अमेरिका ने कभी बोला कि मतलब चाइना से मेरी दुश्मनी है, तुम चाइना के साथ मतलब सॉरी इंडिया ने कभी अमेरिका को बोला कि मतलब चाइना के साथ दुश्मनी है तो कभी चाइना के साथ तुम व्यापार न करो, तो करता है सबसे ज्यादा कर रहा है उसके तो फिर इसलिए इंडिया अपना जो जहां पर इंडिया को फायदा मिले इंडिया कर रहा है। और उसने इस टाइम ग्रोसरी में हजारों आइटम्स होते हैं और कम अज कम हजारों आइटम्स की इंडिया को सच में हैरान हूं। केचप, पास्ता, ये चीजें रशिया नहीं बना रहा? नहीं ना भाई, वो अब हर चीज तो नहीं बनाते लोग, हर चीज मतलब हर चीज है। आप पार्ले जी बिस्किट आपको रशिया में मिलेंगे, मैगी मिलेगी और हर चीज मिलेगी इंडिया की। और यार वैसे अच्छी बात है, देखो उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है यार, यही मौका है। देखो ये अगर एक दफा इंटर हो गई ना तो मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूँ रशिया कभी भी यूरोप से इस तरह की चीजें कभी भी जिंदगी में नहीं लेगा। इंडिया से लेगा, ये बात है। अच्छी खासी रकम इसके लिए देने को तैयार है, तो यार शॉर्टेज हुई है, लोगों के पास है ही नहीं। लोग मतलब वॉर से गुजर रहे रशिया, तो जाहिर बात है मतलब वो लोग उधर अब नीड्स होती हैं हर चीज, एक मतलब उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। मतलब जिस तरह हर चीज फौरन मिल जाती थी अभी उनको लड़ना पड़ता है यार हर चीज के लिए। देखो यूरोप से काफी सारी चीजें रशिया में जाती थी और यूरोप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान सबने बंद कर दिए। तो यार उनके लिए एकदम से मतलब एक संकट हो गया ना, खड़ा हो गया। तो इस वजह से उन्होंने इंडिया को बोला है और वजन की बात ये यार, हालांकि चाइना के पास भी ये सब कुछ चाइना को नहीं बोला, चाइना को भाई नहीं बोला, उन पे भरोसा नहीं है। और मतलब इंडिया का माल उनसे ज्यादा। पिछले दिनों क्या हुआ था, वो चाइना को क्यों नहीं बोला? चाइना ने पता नहीं कुछ चीज चाइना ने भेजी थी, जब रशिया ने कहा कि और चीजें भेजो, चाइना ने कहा अब रेट इसका मैं इससे ज्यादा लूंगा, क्योंकि मतलब वो इस वजह से चाइना ब्लैकमेल कर रहा है उस मामले में, वो फायदा उठाने वाला है। इंडिया जो रेट होता है वही देता है और उल्टा रशिया नहीं बोल दिया कि हम और अच्छा रेट आपको देंगे। तो बस और क्या चाहिए यार, इंडिया के व्यापारियों को जो बेचते हैं फायदा ही फायदा है और रशिया की एक हेल्प भी हो जाएगी, इंडिया की बेहतरी भी इसमें है और रशिया की भी हेल्प एक तरह से कर रहा है और लॉन्ग टर्म में ये चलेगा। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि आपको ये कैसा लगा, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।